के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक। अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों और विधवा पेंशन वितरण के दिए निर्देश। शिक्षक दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। कहा, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर राष्ट्र के भविष्य का करें निर्माण। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने नवागत जनपद न्यायाधीश का किया स्वागत। कहा, लोगों को मिल सकेगा सरल और सुलभ न्याय। दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया नवागत आयुक्त और अपर आयुक्त का स्वागत। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त शिक्षकों को किया सम्मानित। केरल वासियों के साथार्थ सड़क पर उतरे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। इकट्ठा किए सहायता राशि भेजेंगे केंद्र सरकार को। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में कुल 58 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पत्रों की खरीदारी। संकाय प्रतिनिधि में कुल 17 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि दलितों के स्वरोजगार के लिए गंभीर है सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ उठाएं दलित। शिक्षक दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षकों को किया गया सम्मानित। वक्ताओं ने कहा, विषम परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी शिक्षक निभाता है अपना दायित्व। पूर्व शिक्षक एमएलसी स्वर्गीय पंचानंद राय की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। संघ के सदस्यों ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने की दोहराई शपथ। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में कुल 22 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अनुदेशक शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय परिसर में सर मुड़वा कर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की क्षेत्रीय बैठक हुई संपन्न। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जीत पर बनाई गई रणनीति। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने डीएम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग। टीचर डे के अवसर पर एक स्वयंसेवी सोसाइटी के छात्रों ने डीएम को दिया गिफ्ट। कहा, हमारे आदर्श हैं डीएम साहब। चीट फंड कंपनी द्वारा किए गए घोटाले के विरोध में उपभोक्ताओं और अभिकर्ताओं ने दिया धरना। संचालकों की गिरफ्तारी का किया मांग। और बकाया मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रेरक संघ ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध, निकाली रैली।